नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं कुंडली टीवी की खास पेशकश साल 2020 में मकर राशि का क्या होगा हाल। तो चलिए हेल्थ वेल्थ एजुकेशन से लेकर जीवन के हर पहलू तक बताते हैं मकर राशि के लिए साल 2020 कैसे रहने जा रहे हैं। आइए इस बारे में ज्यादा जानते हैं। मकर राशि वालों, साल 2020 हर क्षेत्र में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने की इंडिकेशन दे रहा है और आपको ये निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। समझें इस चीज़ को, संभव है कि आपके द्वारा लिया गया कोई निर्णय आपके करीबियों को और आपके फ्रेंड्स को पसंद ना आए, लेकिन बावजूद इसके आपकी ज़िंदगी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं आपको लेने पड़ेंगे और ये पीरियड जो है साल 2020 का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने जा रहा है। इस साल आपके कुछ ऐसे काम जो कहीं ना कहीं कुछ दान से जुड़े हुए हैं, आपका रुझान ज़्यादा के ज़्यादा धर्म में बढ़ाएंगे। आप पे साढ़े सती चल रही है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ये बेसिकली साढ़े सती का ऐसा फेज है जो आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर देगा। ऐसी स्थिति के अंदर आपको बेचैनी और मानसिक तनाव का अनुभव होगा और आपको ऐसी स्थिति में धैर्य से काम लेना होगा, अपने मन को समझाना होगा और आपको संयम बनाए रखना होगा। मनी इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पर बहुत सोच विचार कर ही फैसला लें, क्योंकि ये साल बहुत अच्छा तो होने नहीं जा रहा है। साल 2020 में मकर राशि में गोचर करेंगे शनि और कुछ विशेष मामलों में बेहद लाभ मिलेगा आपको। खासतौर पर बिजनेस में सफलता मिलेगी, पराक्रम में वृद्धि होगी और कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल जरूर मिलेगा। इस साल 30 मार्च पर जुपिटर मकर राशि में गोचर करेंगे। ये आपके प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, व्यापार, शिक्षा और मान सम्मान में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देंगे। इसके बाद 14 मई को बृहस्पति वक्री होकर 30 जून को पुनः धनु राशि में आ जाएंगे और आपके 12वें भाव में स्थापित हो जाएंगे। इसके फलस्वरूप आपके खर्चों में एकदम से शूटअप होगा। इस दौरान अपनी हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। 13 सितंबर को बृहस्पति मार्गी होकर 20 नवंबर को फिर से मकर राशि में आ जाएंगे और ये समय आपके लिए हर प्रकार से अनुकूल रहेगा। सितंबर के मिड में राहु आपके 6वें भाव में विराजमान होगा। इस दौरान आपके शत्रु भी पराजित होंगे और राहु का 5वें भाव में गोचर करने से आपको शिक्षा और संतान के सुख की दिशा में परेशानियां देगा। इस साल फॉरेन ट्रेवल पर आपका जाना संभव है, जिसमें पैसा खर्चा होगा। बात करते हैं अब आपके हेल्थ की। सबसे पहले, ये साल हेल्थ के लिए कुछ परेशानी से भरा हो सकता है। साल की शुरुआत में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। स्वास्थ्य को लेकर, हेल्थ को लेकर कुछ आप प्रेशर जरूर महसूस करेंगे। इस साल आपकी राशि में शनि के साढ़े सती होने की वजह से थकान और बेचैनी और डिप्रेशन जैसी स्थिति से आपको रूबरू होना पड़ सकता है। इसके कारण आपको कुछ प्रेशर, कुछ घुटन सी भी महसूस हो सकती है। हालांकि आपके लिए अप्रैल का महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस दौरान आप किसी प्रकार की त्वचा संबंधी परेशानी से निजात भी पाएंगे। इस साल के एंड तक आपको थोड़ी सी कष्टकारी मेंटल प्रॉब्लम जरूर हो जाएंगी। इस दौरान किसी बीमारी से ग्रसित भी हो सकते हैं साल के एंड में। बहरहाल अपने खान पान पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बात करते हैं अब आपके लव लाइफ की, उसके बाद हम बात करेंगे आपके फैमिली लाइफ की भी और सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं अब आपके लव लाइफ की, उसके बाद में आपकी बात करेंगे फैमिली लाइफ की, मैरिड लाइफ की भी। साल 2020 आप लोगों के लिए, मकर राशि के लिए, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल थोड़ा सा निराशाजनक रह सकता है। इस दौरान फैमिली मेंबर्स के साथ में मतभेद की स्थिति बनती है और आपको मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं इस कारण। हालांकि मई से महीने में परिवार में खुशियों का आगमन होगा और परिवार के सदस्यों के साथ में अच्छा वक्त बीतेगा। अगर आप अपनी प्रॉब्लम की वजह से पीछे हट सकते हैं तो परिवार के सदस्यों के साथ में तालमेल में कमी आएगी। इस साल परिवार में किसी खास उत्सव की वजह से व्यस्तता बढ़ेगी। इस दौरान हर समय में आपको अपने माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा, साथ ही पेरेंट्स के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। बात करते हैं आपके लव रिलेशनशिप की। लव रिलेशनशिप को लेकर ये जो साल है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रह सकता है और क्योंकि शनि की पूरी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर जा रही है, तो इसलिए संभवतः आपकी भाषा पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने लूज टॉक्स की वजह से रिलेशनशिप खो दें। यही चीज़ आपकी मैरिड लाइफ पर भी लागू होती है। सातवीं दृष्टि शनि की आपके सातवें भाव पर पड़ रही है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है।
शनि की दृष्टि में दोष होता है। कहीं ना कहीं शादी में भी कुछ खलल हो रहे हैं और डिस्प्यूट्स की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। आपका रिश्ता अपने भाई बहनों के साथ में, अपने लव मेट के साथ में और अपने वाइफ के साथ में, अपने हस्बैंड के साथ में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हाँ, समाज में आपका मान सम्मान और रुतबे में बढ़ोतरी होगी, ऐसी संभावना है, लेकिन आपको अपनी भाषा पर और अपने दिमागी संतुलन पर बहुत ध्यान होगा देना होगा, अन्यथा रिश्ते कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। बात करते हैं आपकी स्टडीज़ की, एजुकेशन की। साल जो है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से निराशाजनक साबित हो सकता है। इस क्षेत्र में आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, सफलता प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। हालांकि साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी साबित होगी, लेकिन धीरे धीरे आपके लाइफ में कुछ परेशानियां मेंटल एस्पेक्ट्स पे ज़रूर आ सकती हैं। अगर आप किसी भी कारण से कहीं पढ़ाई के बीच में किसी फ्रेंडशिप को ले आए, स्पेशली ऑपोजिट जेंडर से कोई फ्रेंडशिप अगर हो गई, तो ये साल आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। कारण ये होगी कि ऑपोजिट जेंडर के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा आपका और आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और पढ़ाई में आपका ध्यान हट जाएगा। स्पेशली इंजीनियरिंग से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक रहेगा, भविष्य में धन संबंधित कोई समस्या ना आए, इसलिए अभी से धन का सही उपयोग करें। ये साल आपके हर निर्णय में परिवार बहुत अहम भूमिका निभाएगा। बात करते हैं अब आपके करियर और प्रोफेशन की, उसके बाद करेंगे फाइनेंस और मनी। देखिए, करियर को लेकर आपको जो काम काज कर रहे हैं उसमें ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। इतना ही नहीं, इस साल में आपके प्रोफेशन में कई तरह के उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। करियर को लेकर यह साल खासा परेशान कर सकता है आपको। इस दौरान शनि की जो साढ़े सती आपके ऊपर शुरू हो चुकी होगी, फलस्वरूप पिछले साल के मुकाबले इस साल कोई भी काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसके बावजूद भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन भाग्य के भरोसे ना बैठें, क्योंकि भाग्य के फल के जो आसार हैं वो बहुत कम हैं। पूरे साल आर्थिक तंगी चिंता का मुख्य कारण बनी रहेगी। हालांकि आपके काम के सिलसिले में विदेश जाने के अवसर आपको मिल सकते हैं। इस साल के एंड में कड़ी मेहनत के बाद कोई अच्छा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है। एक बात को और ध्यान देने की ज़रूरत है कि घर वालों के साथ बात करते समय आपको बहुत ज़्यादा कूल डाउन रहकर चलना है, आप थोड़ा सा टेम्परामेंट हाई करके चलेंगे। इसके कारण कहीं ना कहीं आपके फैमिली लाइफ में भी और दूसरों के साथ में कुछ मतभेद हो सकते हैं। बात करते हैं आपके मनी मैटर्स को लेके, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, मनी मैटर। ये साल काफ़ी पैसे के दृष्टिकोण से उथल पुथल से भरा रह सकता है। अगर हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी फाइनेंशियल। इस साल में साढ़े सती ऑलरेडी है आपके ऊपर, आप ज़्यादातर आपकी जो रुचि होगी वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ जाएगी और आप कहीं ना कहीं समाज कल्याण से जुड़ जाएंगे। लोगों में बेकार का पैसा आप उड़ाएंगे, व्यर्थ की चीज़ों पर पैसा आप खर्च हो सकता है, आपका नुकसान ज़्यादा होगा। ज़मीन जायदाद के मामले में मार्च के महीने में आपको थोड़ा सा लाभ ज़रूर मिल सकता है, लिहाजा परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा। अप्रैल के मिड के बाद में कुछ आपकी इंक्रीमेंट की संभावना ज़रूर बनती है, इस कारण आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने की संभावनाएं अप्रैल के बाद ही। इस दौरान कुछ रुके हुए काम हैं जो पूरे होने के भी योग बनते हैं। कुल मिला के साल बहुत अच्छा नहीं जा रहा है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, अब अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी कुंभ राशि को लेकर, जहां हम बताएंगे साल 2020 में कुंभ राशि का क्या होगा हाल। अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपका आने वाला साल बहुत अच्छा हो। और हाँ, कुंडली टीवी के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।